अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 6 फॉर द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन 2NO + 2H2 गिव्स N2 + 2H2O तो एट्रो रिएक्शन मैकेनिज्म दिया है जी तीनटा रिएक्शन मैकेनिज्म दिया है जी फर्स्ट रिएक्शन होची 2NO थ्रू इक्विलिब्रियम K1 गिव्स N2O2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 तो एट्रो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होची K1 तो एटा होची हमर रेट कांस्टेंट सेकेंड होची N2O2 + H2 गिव्स K2 N2O + H2O एट स्लो स्टेप रे होची तो एटा होची हमर रेट कांस्टेंट K2 तापरे थर्ड इक्वेशन होची N2O + H2 गिव्स N2 + H2O एंड रेट कांस्टेंट होची K3 जोडे की फास्ट स्टेप होते तो एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज तो एटू हमर रेट ऑफ रिएक्शन रो एक्सप्रेशन फाइंड करी को छी ऑप्शन रो तो एठी लिखा है जी टेक के इक्विलिब्रियम इनटू K2 इक्वल्स टू K' तो K2 इनटू K2 इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम होची K1 के इक्विलिब्रियम होची K1 इनटू K2 इक्वल्स टू K' तो ऑप्शन दिया है जी K' तो के इक्विलिब्रियम इनटू K2 तो के इक्विलिब्रियम होची K1 और K2 तो 1 और 2 रिएक्शन रो एट रो रेट रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन लिखी को छी तो फर्स्ट स्टेप होची हमें पहले स्लो स्टेप को नेबा हम पाए कि रेट ऑफ रिएक्शन सब बले मॉडरेट रिएक्शन रो मतलब कि जोड़े कि नॉर्मल कंडीशन रो छी वेरी फास्ट भी नहीं हिच चाहिए या वेरी स्लो तो नॉर्मल स्टेप हो छी स्लो इक्वेशन तो सति पा हमें ए वाला रिएक्शन नेबा तो R इक्वल्स टू के N2O2 कंसेंट्रेशन ऑफ H2 तो ए होचे एटा रिएक्टेंट साइड तो रिएक्टेंट साइड को हमें लिखिबा आर इक्वल्स टू के एटा होचे K2 तो एट K2 दिया छै तो आर इक्वल्स टू K2 एटा होचे स्लो स्टेप रो अपने सेकंड जीवा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम भाई केठी के इक्विलिब्रियम दिया छै तो के इक्विलिब्रियम रो हबो रेट कांस्टेंट तो इक्विलिब्रियम स्टेप रो K1 इटू K1 रो वैल्यू हबो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट हो जे कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 बाय NO तो NO रो कंसंट्रेशन जते एठी दिया रहे छे यार तर बैलेंस करा है छे ए वाला पावर एटा ऊपर लिखिबा तो सेटा पावर रहबो तो ओय पे एठू दिया है छे K2 N2O तो N2O रो एठू हमें फाइंड करिबा फर्स्ट टू K1 NO स्क्वायर तो N2O रो रिएक्शन है ना एटा अबे ए स्टेप रो हमें इक्वेशन बाहरेबा तो R इक्वल्स टू N2O2 रो वैल्यू दे छी K1 तो ए जगह हमें पुट करिबा K1 रो वैल्यू N2O2 रो वैल्यू पुट करिबा तो K2 इनटू K1 NO स्क्वायर और जो हाइड्रोजन दिया है इसका हाइड्रोजन भी लिखी पास जल्दी दिया है थला तो ये डाला K2 इनटू K1 तो K1 दिया है K1 हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो ये डाला K इक्विलिब्रियम लिखी पा रही हूँ K2 इनटू K इक्विलिब्रियम NO स्क्वायर H2 तो K इक्विलिब्रियम इनटू K2 तो K इक्विलिब्रियम इनटू K2 दिया है K' तो ये डाला है जीवा हमारा K' NO square H2 तो ये टा है गला हमारे रिएक्शन तो अभी ऑप्शन हो देखिए बस ये टा ऑप्शन है अच्छी क्या है तो K इक्विलिब्रियम NO square H2 ऑप्शन रे एट ही हो ची तो ये टा है वो है ना हमारा करेक्ट ऑप्शन और उस डेटा की ना ही तो से सब गलत ऑप्शन है तो करेक्ट ऑप्शन है ना ये टा